क्या तुम मैथ पढ़ने आए हो? क्लास 10th का टर्म 2 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ये पढ़ने आए हो? तो जी हाँ दोस्तों, तुम सही जगह आए हो। आज यही होने वाला है। सो वीडियो लेट्स गेट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण इसका हिंदी मीनिंग होता है, यानी कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। इसकी जनरल फॉर्म जानते हो क्या है? ax2 + bx + c = 0। वेयर एक और कंडीशन है, ये वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री तो 2 होनी ही चाहिए, इसके साथ साथ A is not equals to 0। बताओ क्यों? अगर 0 हो गया A, तो ये 0 एक ऐसा शैतान है ना, ये पूरे ही इक्वेशन को 0 कर देगा। प्लस bx + c equals to 0। तो बताओ, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा, अब 0 मतलब कुछ भी नहीं होता, तो मैं इसको यहां चार्ट डाल दिया, तो केवल bx + c रह गया। तो क्या एक ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप मुझे बताइए। जी नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है, सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझे? वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, वेयर ए बी and c are real numbers, समझे? ये तीनों के तीनों real numbers है, ठीक है? ये constant terms है, ये कभी नहीं change होते, ये coefficient बोले जाते हैं, ठीक है? इनके coefficient ये है, variables की coefficient ये है, a b c, okay? और ये तो constant ही होता है, c, ठीक है? तो ये हमारा मोटा मोटी बेसिक खत्म हो चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब चलिए डायरेक्ट छलांग लगाते हैं कुछ एग्जांपल्स में, उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज खत्म करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को जल्द से रफा दफा करना है, ठीक है? तो आर यू रेडी गाइस? सो ये आ गया हमारा एग्जांपल, ठीक है? जॉन एंड लावंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 marbles each and the product of the marbles of they how have is 124. We would like to find out the how many marbles they had to start with him. ठीक है, यानी कि जॉन और जावंती के पास, दोनों के पास कितने marbles? 45 marbles हैं, और दोनों के दोनों 5 marbles lost, यानी कि खो देते हैं, ठीक है? दोनों के दोनों, और जो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स हो जाता है उसके बाद कितना हो जाता है? 124 हो जाता है, ठीक है? अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है कितने मार्बल्स अब दोनों स्टार्टिंग से उसके पास है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है? दोनों के पास है 45, तो लेट जॉन मार्बल्स x, अगर इसके पास x मार्बल्स है तो उसके पास कितने होंगे? ठीक है, इसके पास होंगे, अगर चल बढ़िया से करते हैं, इसके पास मान के चलो x है, तो x plus equals to 45, तो ये है जावंती, इसके पास कितने मुझे नहीं पता, लेकिन इसके पास है x, तो ये कितना है देखो, 45 माइनस एक्स, ये आ गया जावंती का, जावंती का, तो जावंती डी 45 माइनस एक्स, पहले पहले लाइन में बस इतना ही रहा है, उसके बाद क्या है? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो चलो खोआ लेते हैं दोनों को, तो जॉन की बात की जाए तो ये x-5 हो जाएगा, और जावंती जीवांती की बात की जाए
तो 45 माइनस x माइनस 5 हो जाएगा, ये दोनों के दोनों के 5 5 हो रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस x हो जाएगा कि नहीं। अब क्या बताया, इन दोनों का प्रोडक्ट, क्वेश्चन में बताया इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 124 है। तो हम वैसे ही करते हैं, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x कितना है, 124 है। सो अब हमें पता चल जाएगा कितना है, तो 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 और ये प्लस 5x इक्वल्स टू 124। सो कितना हो जाएगा, उसके बाद अगर इधर इसको ये और ये तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45x और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये इधर आ गया तो माइनस 124 हो जाएगा। माइनस 200 और माइनस 124 होते हैं माइनस 324 इक्वल्स टू 0। सबको इधर ले आए, अब ये देखो, अब ये पूरा क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला में आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ गया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ अगर माइनस है हम चाहे तो माइनस हटा सकते हैं, कैसे माइनस हटा सकते हैं, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और कितना दे प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो इस एग्जांपल में बस मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब फॉर्म में लाना है। ठीक है, और इसके पास है, इसके बाद एक्सरसाइज जब तुम देखोगे कितना 4.2 का जब क्वेश्चन नंबर 2 में तुम देखोगे तो उसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके x का तुमको वैल्यू पूछेगा, उसमें x का वैल्यू पूछेगा, लेकिन इस एग्जांपल में नहीं पूछा है। ठीक है, ये तुम्हारे बुक का एग्जांपल है, मैंने ये तुम्हें बहुत ही इजी ट्रिक से बता दिया। ठीक है, उम्मीद है तुम्हें ये वाला समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल्स हो गए, अब डायरेक्ट हम लोग छलांग मार दिए एक्सरसाइज 4.1 में। ठीक है, ये 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है जानते हो, इस क्वेश्चन में हम लोग को ये हम लोग को दिखाना है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं है, समझ में आया। तो चलो इसको करते हैं, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बहुत इजी है, a प्लस b का होल स्क्वायर, चलो इसके फॉर्म में इसको खोल देते हैं, x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 2x प्लस 6, ये कैसे समझ में आया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे फिर ये इससे, तो 2x प्लस 6 हो गया, समझ में आया। तो ये अब इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर अगर माइनस हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, समझे, इसको इधर लेके आए तो इक्वल टू 0। तो अब आप लोग बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है कि नहीं, जरूर है, ex स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री भी 2 है, तो ये कैसे नहीं हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में, तो जरूर है। चलिए मैं आपको एक और बता देता हूं, ठीक है, इसके साथ साथ जरूर नेक्स्ट क्वेश्चन भी और बढ़ेंगे। सो ये हमारा नया क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग को सेम बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं। सो ये दोनों होल में, तो आपको पता है कि ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ये मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, और ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा, देन इससे मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2, इधर का कहानी खत्म, अब इधर आ जाते हैं, तो ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये अब इधर आ गया, ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा प्लस 3x, और ये इससे हो गया तो माइनस x। तो चलो जो कटे ऐसे काट दो, अगर इक्वल्स टू के इधर प्लस में और इधर पे प्लस में है तो डायरेक्ट उसे काट दो, और अगर इक्वल्स टू के इधर है तो इसे इधर भी लेके आओगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये प्लस में है दोनों कट जाएगा, कट गया, और क्या क्या कट रहा है उसे काट दो, और तो इधर लेके आते हैं x और माइनस 2x कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस x माइनस 2x, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस x और माइनस 2 और प्लस 3x और माइनस x, यही हो जाएगा
सही लिखा मैंने, यही हो जाएगा। सो अब भी हम लोग कुछ काट सकते हैं, रुको रुको रुको, ये इक्वल्स टू हो जाएगा ठीक है, और ये माइनस एक्स और ये माइनस एक्स कट जाएगा जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ठीक है पूरा कट गया। अब क्या, अब इधर इसे इधर ले गया जाओ, तो माइनस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, तुमको अगर माइनस हटाना तो जीरो से माइनस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगी, हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। तो आप मुझे बताइए ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, जी नहीं ये नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री टू नहीं है, वो तो यही कट गया ना, ये क्या है थ्री एक्स है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री वन है, वन, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन बहुत ही ज्यादा इजी बन चुका है, अगर आपको कोई भी डाउट रहे क्वेश्चन नंबर वन में तो आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं, आप हमें वहां से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू में है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि हम लोग को एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका जो पूरा एरिया है, ये हमें पूरा कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ये पूरा ये रेक्टेंगल है, और इसमें हमको क्या बोला है, जो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ये जो लेंथ है इस प्लॉट का एक ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, ब्रेथ जो है वही हम फाइंड करनी पड़े, तो ब्रेथ को हम लोग एक्स मान लेते हैं, क्या मान लिए, लेट एक्स, ब्रेथ को मैंने एक्स माना, तो इसमें क्या है द लेंथ, लेंथ अब क्या हो जाएगा, लेंथ बी वन मोर यानी कि प्लस वन ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी कि टू एक्स स्क्वायर। अब क्या है, अब हम लोग को उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, फाइंड तो लेंथ यानी कि ये और ब्रेथ हम लोग को दिया है, ये मतलब दिया नहीं है लेकिन हम लोग ने ये फाइंड किया है और एरिया हम लोग को दिया है। तो आप रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, एल इंटू बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू कितना है, एरिया कितना नहीं है 528 लिख सकते हैं इसके फॉर्म में, आप चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप तो इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इजी हो चुकी है, आप खुद से भी कर सकते हैं इसे, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528, अब ये इधर आएगा इक्वल्स टू इधर आएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. So, एक ट्रेन है जो ट्रेवल करता है डिस्टेंस 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, बहुत जन पूछे फिजिक्स में हमने क्लास 9th में पढ़ा था ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि अगर कोई कार जा रहा है ठीक है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जाएगा, मतलब ये कार ऐसे जा रहा है ऐसे नहीं हो जाएगा, एक्सीलरेट नहीं करेगा, अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही जाते रहेगा, ये होता है यूनिफॉर्म स्पीड। तो ट्रेन इसी तरह यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है ठीक है, सो डिस्टेंस हमें यहाँ दिया है, सो मैंने डिस्टेंस लिख दिया 480 किलोमीटर 480 और यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड में कुछ भी नहीं है पता ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, मान सकता हूँ मान लिया, इफ स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड क्या होता है घट जाता है इसमें ठीक है, इतना अगर घट जाता है ठीक है, और तब क्या होगा टाइम कितना हो जाएगा, मतलब तब 3 घंटे से ज्यादा कवर करना पड़ेगा वही सेम डिस्टेंस को,
समझ में आ रही बात? सो आप लोग जानते हैं ये फॉर्मूला आपको पता होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पता है आपको डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम को अगर निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। सो हमें इस लाइन के हिसाब से हमें टाइम भी फाइंड आउट करना है। सो दो केस बनेंगे यहाँ पर। पहले केस में डिस्टेंस 480 ही रहेगा और स्पीड x, ये पहला केस था, ये पहला लाइन का केस है जब एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, जब x की स्पीड से जा रहा था। और क्या होता है जब जब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाता है तब तो वो 3 घंटे से होते हैं, यानी कि 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 तब क्या हो जाता है 3, समझे? चलो अब इसे यहां लिख लेता हूं। सो 480 बाय x माइनस 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 इक्वल्स टू 3, समझे? मैंने यहां क्या लिखा है, ये पहले वाले केस का है जब यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था तो ये था, और जब जब ये घटा, अगर स्पीड घटेगा तो अभी सी बात है टाइम से ज्यादा लगेगी, तो कितना टाइम से ज्यादा लगेगा 3 घंटा। तो बस अब इसे हम लोग को जल्दी से इसको खत्म कर देना है, तो चलो जल्दी से कर देते हैं सर, x into x minus 8 तो ये क्या आ जाएगा, उसके बाद ये अगर हम लोग करें तो कितना हो जाएगा 3 8 480 64, तो ये कितना आ जाएगा 3840, ठीक है? ये अब ये और ये कट गया तो ये कितना होगा माइनस 480 इक्वल्स टू 3, यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ गई बात? तो ये हो गया 480x और यहां पर भी हमें माइनस 480x दिख रहा है, तो क्या हम लोग इसको कुछ कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसे हम कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, हम लोग इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, ये कट गया। सो अब चलो इसको जल्दी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना रहा मेरे पास माइनस 3840 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। सो इसे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 3840 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 324x। समझ में आया ये लाइन मैंने कैसे किया? बहुत बढ़िया, मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो चलो अब इसको यहाँ लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और ये इधर जाके हो जाएगा प्लस 24x और ये माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया बात? मैंने किसे किया है? चलो सही है, बहुत बढ़िया, मुझे पता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है? रुको, अब भी हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं। देखो सबके टेबल में 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, चलो अभी इधर लिख देता हूँ, 3 मैंने कॉमन ले लिया, सो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3824 प्लस 3 मुझे 3 8 24 0 बाय 3, ये 3 यहाँ से हटा दो इसे, अब यहाँ इधर गया तो अब क्या हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 0 0। बस इसी के साथ हमारा ये पूरा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो